सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, माता मंगला व भोले महाराज हेलीकॉप्टर से समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित घंटाकर्ण धाम पहुंचे। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित घंटाकर्ण धाम पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष माता मंगला जी व भोले महाराज भी साथ में थे। विधि के हिसाब से माल्यार्पण करवाया जाएगा। विजय प्रकाश बोलूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भूखे और सौ रेड स्वागत है। सभी लोगों को विजय व्यवस्था बनाने में तीर्थाटन है जो हमारा धार्मिक तीर्थाटन है वो बड़े, इसलिए ऐसे जितने भी हमारे ऐसे पवित्र स्थल हैं उन सभी स्थलों को हम लोग आगे विकसित कर रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हर प्रकार से विकास कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ धाम में, वहाँ से केबल रोप वे चलाने की बात नहीं है, हमारे यहाँ जल्दी केबल कार से केदारनाथ पहुँचेंगे, हेमकुंड साहब पहुँचेंगे, चारों धामों का। आज केदारपुरी में 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का काम वहाँ पर चल रहा है, 225 करोड़ की योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, द्वितीय चरण में 184 करोड़ का काम गतिमान है, तृतीय चरण की बीच अभी केदारनाथ जी में अप्रैल माह से काम प्रारंभ हो गया है। चारों धामों में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, हवाई कनेक्टिविटी को ठीक प्रकार से दुरुस्त किया जा रहा है, रेल की जो कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, तमाम प्रकार का जो काम भारत की सरकार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार, और उत्तराखंड के साथ उनका विशेष लगाव है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी लगातार यहाँ के जो हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण हो या उनका विकास हो या उन तक वहाँ तक पहुँचने की सड़क सभी क्षेत्रों में, भविष्य में हम सभी जो ऐसे स्थान हैं सभी को हमारी जोड़ने की योजना है। 2025 जब हम रजत जयंती वर्ष मनाएंगे उत्तराखंड का, तब तक हम सभी मार्गों को जोड़ेंगे, कार्यों को कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री, युवा ऊर्जावान प्रतिभाशाली श्री धामी जी आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर योजनाएं करी हैं, योजनाएं दी हैं, और इस क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि अब विकास का दौर बहुत बढ़ेगा। सुबोध उनियाल जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं की हैं, और आज हमने भी अपने पिताजी स्वर्गीय श्री शौर्य चक्र विजेता श्री माथुर सिंह सजवान के नाम से यहाँ धर्मशाला का 50 लाख का आज हम लोग अनुदान दे रहे हैं, और हमारे पूर्वज आज प्रसन्न है कि हमारे कुल देवता का यह मंदिर बना। और सबके प्रयास को मैं देख रही थी जब हम हेलीकॉप्टर से आए थे, इस कठिन स्थान पर भी आज आप सब ने मेहनत करके देवता का वास बनाया है, उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं हम सबको सुबुद्धि दे और सबको स्वस्थ रखे और सबको शिक्षित और सेवा का करने का मौका दे, यही मेरी सबसे प्रार्थना। रोड की जो है उन्होंने स्वीकृति दी है, मैं पूरे क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब लोगों को पुनः बधाई, घंटाकर्ण देवता सब पे अपना आशीष बना के रखे, सब जो है यश वैभव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी भगवान घंटाकर्ण से निवेदन है, वो हमेशा सबकी भक्तों की सुनते हैं।